अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज 2 cm। क्वेश्चन को देख करके ये तो जरूर पता लग रहा होगा आप लोगों को कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, लेट्स से हमने ये डाइपोल रखा, ये डाइपोल रख दिया। अब इस डाइपोल के ऊपर बेसिकली क्या लगते हैं, फोर्सेस लगते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से इस तरह से लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, इसका मतलब यहां पर कहीं पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर कहीं नेगेटिव चार्ज है। यहां पर ये चार्ज जो है माइनस क्यू ले लेते हैं, इसको प्लस क्यू ले लेते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस चार्ज माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा। इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू जो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपने जो है टॉपिक पढ़ा होगा। जब डाइपोल इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा रहता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो जब हम इसके ऊपर टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो आपको जरूर पता होगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है जी, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज दी है क्वेश्चन के अंदर सारी पुट कर देनी है। 30 डिग्री तो साइन 30 की जगह थीटा जो है 30 डिग्री मिल गया। ठीक है जी, लेट्स से यहीं पर ये ले लेते हैं 30 डिग्री। अब यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। पी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू टू एल। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला था q × 2L, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेट्स से दिस इज द 2L, ये डिस्टेंस होती है आपकी। ठीक है, तो यहां से टाउ इज इक्वल टू पी की जगह हम रख देंगे q × 2L × E × sin θ। अब ये सारी वैल्यू रखो और हमें जो है चार्ज निकालना है जी। तो टॉर्क कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्यू। क्यू हमें निकालना है, क्लियर है। और 2L इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब 2L की जगह ये ध्यान से देखिए, यहाँ 2 cm लिखा है, बेसिकली ये पूरी की पूरी वैल्यू ही आपकी 2 cm है। ठीक है, तो लेंथ को चूज करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 cm तो 2L पूरा का पूरा 2 cm है। तो सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 10⁻²। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁵ इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं 1/2। हमें जो है ये क्यू निकालना है, तो एक 2 से ये वाला 2 उड़ा दो जी। ठीक है, इस 2 से इसको उड़ा दो, ये आ गया 2। ठीक है जी, यहां पर 10⁻²² है तो यहां पर ये कैंसिल आउट करेगा, तो यहां जाएगा 3 × 10³। तो क्यू इज इक्वल टू 2 / 10³, दैट मींस 2 × 10⁻³। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 mC, मिली मतलब 10⁻³। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन बन गया, 2 × 10⁻³, ये मिली में कन्वर्ट कर लिया, जैसे मिलीमीटर, 2 × 10⁻³ मीटर, ऐसे ही ये मिली कुलम बन गया, 2 × 10⁻³ कुलम, तो 2 mC इज द आंसर। तो हमारा जो है बी ऑप्शन हमें मिल गया, बी ऑप्शन जो है सही है। तो बच्चा लोग, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा वाला फॉर्मूला याद होना है और उसी को लगा देना है।
ये डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, इसके इसमें टॉर्क किधर लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो ऊपर आपको एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर अपने डाउट को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे वन टू वन बात भी कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।